हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि एडिटिंग कैसे करते हैं जो नए यूट्यूबर हैं, ठीक है। एक तगड़ी एडिटिंग कैसे करी जाए और उसको जो है वॉइस कैसे क्लियर आए, ठीक है। जो नए नए वीडियो बनाते हैं तो उनकी वॉइस क्या होती है, क्लियर नहीं आती है। और बहुत सारी एडिटिंग में बहुत सारी हमको जो है चीज़ें लगानी पड़ती थी आगे, जैसे कि आगे बहुत सारे इंट्रो लगाते हैं, ठीक है। कोई कोई बीच में भी जो है बाय आइकन बटन लगाता है, ठीक है। कोई कोई सब्सक्राइब बटन लगाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। एडिटिंग में कैसे करना है मैं बताऊँगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। वीडियो को वॉच करना है और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। तो मैं आपको बताऊँगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप समझाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि एडिटिंग कैसे करता हूँ अपनी, और आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, कैसे मतलब करनी है आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। अगर आपको मोबाइल अच्छा खासा है तो कन्वर्टर अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं, और वो भी 720p में, ठीक है। वो भी विदाउट वाटर मार्क के आएगा, ठीक है। वो कन्वर्टर क्या होता है कि नए नए लोग यूज करते हैं तो वाटर मार्क का कन्वर्टर आ जाता है, डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से। उसमें क्या होता है, वो पैसे मांगता है कुछ, ठीक है। तो इसमें आपको पैसे वैसे में नहीं मांगेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। और कैसे एक्टिंग करते हैं सब कुछ, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। वीडियो कैसे अपलोड करना है इस बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। सिंपली से सब कुछ समझाऊंगा। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, ठीक है। फुल वॉच करना है, ठीक है। सब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब आपको दिखाते हैं कि कान मास्टर से क्या क्या ऐसा मतलब वीडियो बनाने में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या हमें लगाना पड़ता है। जैसे कि कोई कोई इंट्रो भी लगाता है, ठीक है, और कोई कोई आउट्रो भी लगाता है। क्योंकि आउट्रो क्या होता है कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं ना कान मास्टर पर या किसी पर भी एडिट करते हैं, जो आउट्रो होता है, जिसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर वीडियो के लास्ट में एक आउटर है, आउट इंट्रो आता है। आउट इंट्रो मतलब वो ऐसा होता है कि जैसे कि कोई भी आपकी आप जो है जाएंगे उसमें इंट्रो दूसरा वीडियो लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कान मास्टर पे जाएंगे, अभी आपको बताएंगे कैसे कैसे कहाँ पे लगता है, ठीक है गाइस। पहले आपको बताता हूँ वीडियो में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले फाइनली से यही वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मैंने एडिट कर रखा, देखिए, ठीक है। नहीं तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ एक एक चीज़, ठीक है। सिंपल से तरीका है, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप प्लस के आइकन पर चेंज निशान पर क्लिक करो, यहाँ पे 16:9 पे क्लिक कर दो, ठीक है। हमेशा वीडियो इसी पे बनता है, ये तो सब लोग आप लोग सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है गाइस। उसके बाद सिंपली से आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी वीडियो बनाई है, ठीक है, वो पहले लेना है। या फिर आप अगर इंट्रो लगाते हैं तो इंट्रो भी पहले ले सकते हैं, ठीक है गाइस। पहली बात तो इंट्रो आजकल बहुत कम लोग लगाते हैं, इंट्रो कोई नहीं लगाता, ठीक है। तो पहली बात तो एक इंट्रो हो गया, दूसरा आपका वीडियो जब भी आप वीडियो बनाएंगे तो दूसरा आपका हो गया आपका जो सब्सक्राइब एनिमेशन बटन होता है, वो आपको बहुत ही इफेक्टिव पड़ता है, ठीक। चैनल पे मतलब अच्छा एक लगता है सब कुछ, आपको हर एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मतलब कोई भी किसी की वीडियो देखेंगे, सबकी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है। देखिए, सिंपली से मैं आपको कैमरे में जाता हूँ, ठीक है। अपना खुद का ही वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने बनाया था। तो मैं यहाँ से ले लिया मैंने ये वीडियो, ठीक है। तब सिंपली से वीडियो ले लिया। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये बटन लगा सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक इंट्रो लगा सकते हैं सब्सक्राइब बटन, जैसे कि मेरे में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे में ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मैंने डाल रखा है, ठीक है। जैसे कि मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। लगाना चाहो तो लगा सकते हो अगर आपके पास, लेकिन ये बहुत मतलब कोई लगाता है कोई नहीं लगाता। अब क्या है कि नया ज़माना है तो लोग बाग बहुत कम लगाते हैं, ये पुराना फैशन हो गया, ठीक है। सब्सक्राइब बटन वाला आप लगा सकते हो, लगा सकते हैं। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। सब्सक्राइब करें ऑल टेक्निकल वीडियो चैनल को और बेल आइकन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लगा सकते हैं वीडियो में, ठीक है। नहीं लगाना चाहें तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलिए, सिंपली से आप आ जाइए यहाँ पर, मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अभी इसमें नहीं लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, थोड़ा सा वीडियो को एडिट करने को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो डाली आपने, अब इसको थोड़ा सा आपको साफ़ करना, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करना है, थोड़ा सा मतलब एक अच्छा सा देख सकते, बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ठीक दिखेगा, ठीक है। तो सिंपली से आपको इस पर अपने वीडियो पर क्लिक कर देना है, या येलो निशान आ जाएगा, उसके बाद एडिट के ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। नीचे जाएंगे, कलर फिल्टर लिखा होगा, ठीक है। कलर फिल्टर पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर कलर फिल्टर खुल चुका है, ठीक है। यहाँ पर कोल्ड पर जाएंगे, कोल्ड लिखा हुआ है, देखिए कोल्ड पे यहाँ पे C02 यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वीडियो का कलर चेंज हो गया, ठीक है। वीडियो साफ भी हो गई, चेंज भी हो गया, आप देख सकते हैं, देखिए आप। और बैकग्राउंड का भी ठीक ठाक, ये थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका इफेक्ट अच्छा लग रहा है, हल्का फुल्का ये थोड़ा ब्राइटनेस में हो गया, ठीक है, हाईलाइट सा। तो देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, आप हमें सब्सक्राइबर एनिमेशन बटन लगाना है, ठीक है। यहाँ पर
मैं लेयर के ऑप्शन पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ मीडिया पे क्लिक करता हूँ नॉर्मली से, और यहाँ पे देखिए पहले से मैंने बना के रखी है। आप भी अगर नहीं बनाना जानते वो भी मैंने बता रखा है, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। सिंपली से एक्सपोर्ट में जाएंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट में जाके यहाँ क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सिंपल तरीके से यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे क्रोमा की, ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ, इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ फाइनली इनेबल करने के बाद इसको हम हल्का सा, ये लकीर लाइन सी दिख रही थी, इसको क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं क्रॉप कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे सेट करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको और हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, अब इसको नीचे करता हूँ हल्का सा, सही जगह पे प्रॉपर सेट होना चाहिए, ठीक है। सही जगह से निकलना चाहिए, सही जगह पर सेट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आप फाइनली, अब जैसे ही मैं अब वीडियो चला के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बटन आएगी, ठीक है गाइस। देखिए अभी ये ऊपर नीचे से निकलेगा, ठीक है, मेरा सब्सक्राइबर। ये एनिमेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा और इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा हल्का से इसको मुझे और क्रोमा की में जाके सही करना पड़ेगा, ठीक है। कलर में चूज कर लेता हूँ ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का आपको ग्रीन दिख रहा होगा, तो वो चीज़ मुझे हटानी है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे हटानी है, यहाँ देखते हैं, ये तो सही है, ठीक है। और सिंपल से अब देख लेता हूँ चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। तो इसमें अब एनिमेशन डालना, मैं आउटर एनिमेशन डाल देता हूँ नीचे की तरफ, स्लाट डाउन, ठीक है। अब देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो सिंपली से देखिए आपको ये लगा लेनी है, ठीक है, सब्सक्राइबर बेल बटन ये लगाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम का लगा लेना आपको। यहाँ जाएंगे फिर मीडिया पे, मैंने फिर इंस्टाग्राम के लिए जो भी सोशल मीडिया एनिमेशन होता है वो भी लगाना पड़ता है, ठीक है। आपका जैसे लगा सकते हैं अपना इंस्टाग्राम का लगा सकते हैं, या फिर आप कोई भी आपने बना रखा हो, फेसबुक ट्विटर जो भी आपने बना रखा हो वो लगा सकते हैं, ठीक है। इस तो यहाँ पे लगाने से मतलब लोग अगर आपको फॉलो करना चाहेंगे तो वो करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने कर लिया ऑन, ठीक है। अब इसको मैं चला के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको सेट करना पड़ता है, आपको सेट करके भी बताऊँगा आपको कहाँ पे ये चीज़ सेट करनी है, ये कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने बता रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो ये वाला था, ठीक है, ये मैंने गलत ले लिया था, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो इसको सिंपली से तो ये है देखिए वो बटन, ठीक है, जो मैंने बनाई थी, मैंने ऑलरेडी दो रख डाल रखी थी, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है, ठीक है। मैं फाइनली से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ आपको वो सोशल मीडिया जो एनिमेशन बटन बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली से आप जाएंगे एक्सपोर्ट में, अब एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ देख लेते हैं हम यहाँ पड़ा है कि नहीं। यहाँ ये देखिए, अब इसको मुझे सेट करना है, ठीक है। अब सेट कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ मैं गाइस, ठीक है। इसको सेट हमें बिल्कुल साइड में करना है, ठीक है। तो ये अभी साइड में नहीं है, तो मैं इसको सिंपली साइड में कर लेता हूँ, क्लिक हो गया। अब ये थोड़ा इसमें एनिमेशन डालना पड़ेगा, इसमें एनिमेशन डालने के लिए एनिमेशन के ऑप्शन पे आप जैसा चाहे वैसा लगा सकते हैं एनिमेशन, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, आपको शुरू से दिखाता हूँ मैं चला के। तो ये देखिए मैंने शुरू से एनिमेशन मतलब मैंने पहले ही लगा रखा था, इसको एक्सपोर्ट में डाल रखा था, ठीक है। तो ऐसा आएगा और आने के लिए इंट्रो एनिमेशन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इंट्रो वाला ऐसा आएगा कुछ, इसको प्रॉपर सेट करना पड़ता, नहीं तो ये इधर उधर भागता है, सेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसको बनाने में कान मास्टर से एक्चुअली बनाया था, ठीक है। अब ये हो गया, अब लास्ट में आपको दिखा देता हूँ। आप दो तीन चीज़ें और लगा सकते हैं, ट्विटर का भी ऐसे ही बना सकते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम का तो मैंने दिखाई दिया आपको, फेसबुक का बना सकते हैं कुछ भी। उसके बाद सिंपली से आप इसमें जब मीडिया पे जाएंगे, मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ आउट इंट्रो कैसे लगाना। आउट इंट्रो मैंने बना रखा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाएंगे,
एक्सपोर्ट में जाके यहाँ देखिए ये रहा आउट इंट्रू जो लास्ट में आपका दिखाएगा वीडियो, कोई भी वॉच नेक्स्ट वीडियो जो भी दिखाएगा आपको यहाँ पे वीडियो चेक कर लेना है जाके आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके डेस्कटॉप मोड पे आपको ये वीडियो ये चीज़ सेट कर लेनी सारी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें लगाने के बाद आप वीडियो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है। इसमें और मैंने ये तो इतनी चीज़ें ऐड कर रखी हैं, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐड नहीं कर रखी हैं, आप करना चाहो तो अपनी तरफ कर, इतने मेरे हिसाब से इतना काफ़ी, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड अगर आप का जैसा भी हो ग्रीन पर्दा को तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं बता दूँ आपको एक लाइट बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें तो सिंपली से आपको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। वीडियो आपकी बन के तैयार हो जाएगी। हाई में करना है आपको 720p में, ठीक है, ठीक है। 171 MB की है, ये टोटल एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल से ऐसे आपको भी बनाना है गाइस। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आए होगा गाइस। तो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।